नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल हूँ। आज शनिवार है और शनिवार है यानी आपको कहानी सुनाने का वादा है, और शनिवार है यानी आपके सामने फिर एक कहानी लेकर मौजूद हूँ। और आज नर्मदा जयंती है और ये संयोग ही है कि आज शनिवार हो और उस दिन तिथि, वार या जयंती, जो भी उस दिन पड़ रहा हो वो शनिवार से जुड़ा हो। और आज ये खुशकिस्मती कह लीजिए कि आज शनिवार है, नर्मदा जयंती है। तो काफ़ी रिसर्च किया, सोचा कि यार नर्मदा जयंती से अच्छा कुछ है नहीं, खुद नर्मदा किनारे वाला हूँ, तो आज नर्मदा की ही कहानी है, माँ नर्मदा का ही कुछ उल्लेख है। मध्य प्रदेश से ही हूँ, छोरा नर्मदा किनारे वाला ही हूँ, वहीं पला बढ़ा हूँ। और बात करें तो नर्मदा का महात्म्य कुछ इस तरह का है कि पूरे मध्य प्रदेश का पूरे देश भर में बिखरा है। मध्य प्रदेश वालों की बात ही क्या, मध्य प्रदेश वालों की तो रगों में नर्मदा दौड़ती है जैसे, और नर्मदा तट पर रहने वालों के लिए तो बहुत ही खास हो जाती है। और नर्मदा किनारे के जो लोग हैं वो उन्हें नर्मदा नहीं कहते, वो नर्मदा जी कहते हैं, नर्मदे हर। तो आज की कहानी को मैंने नाम दिया है नर्मदा की जुदा राह। अब नर्मदा कैसे आई इसकी कहानी लेके चलता हूँ। तो मैकल पर्वत, जैसे मैकल श्रेणी कहा जाता है, तो यहीं पर भगवान शिव तपस्या में बैठे हुए थे, और माना जाता है कि उन्हीं के पसीने से नर्मदा प्रकट हुई थी। और कुछ ऐसा ही चमत्कार उन्होंने दिखाए, माँ नर्मदा ने कुछ ऐसी चमत्कारी लीलाएं दिखाई कि शिव पार्वती खुद चकित रह गए थे। और उन्होंने नर्मदा का नामकरण करते हुए कहा था, देवी तुमने हमारे मन को, हमारे हृदय को हर्षित कर दिया है, इसलिए तुम्हारा नाम नर्मदा होगा। नर्म का अर्थ होता है सुख, और दा का अर्थ होता है देने वाली, यानी सुख को देने वाली। और ऐसी ही है माँ नर्मदा। नर्मदा का एक नाम रेवा भी मिलता है, माँ रेवा भी हम कहते हैं, लेकिन नर्मदा ही सबसे जबरदस्त नाम है। और यही प्रचलित भी है और यही निकल निकल कर भी आता है। स्कंद पुराण में लिखा गया है कि राजा हिरण्य तेजा हुए हैं, उन्होंने 14,000 लोगों की घोर तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया और माँ नर्मदा को पृथ्वी तल पर आने के लिए वर मांगा। शिव के आदेश से नर्मदा जी, माँ नर्मदा, माँ रेवा, मक्ष के आसन पर बैठकर उदयाचल पर्वत पर उतरती हैं और पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती हैं। पश्चिम दिशा की नर्मदा पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है। नर्मदा के बारे में यह भी कहा जाता है कि यह राजा मैखल की बेटी थी, जिनका हम जिक्र कर रहे हैं। जैसे तो नर्मदा के विवाह योग पर मैखल ने उनके विवाह की घोषणा करवाई, ऐसा हमारे यहाँ कई चीजें मिलती हैं। पार्वती किस तरह से हिमालय की पुत्री कही जाती है, वैसे ही नर्मदा मैखल की पुत्री बताई गई, वही मैखल पर्वत श्रृंखला, मैखल पर्वत उन्हें कहीं मैखल भी कहा जाता है। तो जब नर्मदा बड़ी हुई तो मैखल ने, भाई पिता का दायित्व है कि वो अपनी बेटी की शादी करे, तो उन्होंने एक शर्त रखी थी, जो भी व्यक्ति, जो भी राजा राजकुमार गुलाब कावली का फूल लेकर आएगा, मेरी बेटी का विवाह उसी के साथ होगा। होता है ऐसा। अब इसके बाद कई राजकुमार आते हैं, कोई भी राजा मैखल की शर्त पूरी नहीं कर सकता, वो गुलाब कावली के फूल नहीं ला पाया। तभी एक राजकुमार शोणभद्र, सोन नदी को शोणभद्र कहा गया है, और वो मैखल की, राजा मैखल की गुलब कावली फूल की शर्त पूरी कर देते हैं। और इसके बाद नर्मदा और शोणभद्र का विवाह तय हो जाता है। राजा मैखल ने जब राजकुमारी नर्मदा और राजकुमार शोणभद्र का विवाह तय कर दिया, तो
राजकुमारी की एक बार इच्छा हुई कि वो एक बार उन्हें देख ले। होता है एक लड़की मन में इच्छा होती है यार अपने पति को देख तो नहीं। इसके लिए वो अपनी सखी अपनी सहेली जोहिला को राजकुमार शोणभद्र के पास भेजती हैं संदेश लेकर कि जाओ और उनसे कुछ कहना। काफ़ी समय गुजर जाता है, जोहिला लौट कर नहीं आती है। नर्मदा की सहेली जोहिला, जोहिला भी एक नदी ही है। इसके बाद राजकुमारी नर्मदा को चिंता होने लगती है, उसकी खोज में निकल जाती है कि जोहिला कहाँ है, अभी बता ही नहीं। मैंने अपने होने वाले पति के पास उसे कुछ कहने भेजा था, क्यों नहीं आई। और वो उसी सब तलाश में शोणभद्र के पास पहुंचते हैं। वहां जोहिला को देखते हैं और ये सब देखकर उन्हें बहुत क्रोध आ जाता है। उसके बाद वो विपरीत दिशा में उल्टी दिशा में चल पड़ते हैं और आजीवन कुंवार ही रहने का, शादी ना करने का, अविवाहित रहने का प्रण ले लेते हैं। एक और कथा मिलती है, इसी से मिलती जुलती हुई है कि नर्मदा और शोणभद्र अमरकंटक की पहाड़ियों पले बड़े, अमरकंटक से भी उद्गम माना जाता है ही, तो यहीं पर दोनों साथ पले बड़े। जब दोनों किशोरावस्था में पहुंचे तो दोनों के बीच प्रेम बना गया। तभी शोणभद्र के जीवन में जोहिला का आगमन होता है। जोहिला नाम की लड़की आती है। ये दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं। इसके बाद जब नर्मदा को ये बात पता चलती है तो उन्हें शोणभद्र को काफ़ी समझाया बुझाया, कुछ मनाया, लेकिन वो नहीं माने। इसके बाद फिर नर्मदा क्रोधित होकर उल्टी दिशा में चल पड़ते हैं। उन्होंने आजीवन शादी न करने की कसम खाई। कुछ ऐसी ही कहानियां हैं। नर्मदा मैं नर्मदा के बारे में क्या ही कहूँ, नर्मदा के बारे में कुछ भी कहना, सिर्फ और सिर्फ हम लोग नर्मदे हर में ही सब कुछ समाहित कर देते हैं। नर्मदा मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाती है। मैकल पर्वत से उत्पत्ति होती है अमरकंटक से। सबसे बड़ी बात ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, खंबा की खाड़ी में गिरती है। सिर्फ दो ही नदियां हैं जो पूर्व से पश्चिम बह रही हैं, नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा भारत में बहने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी मानी जाती है। नर्मदा की लंबाई 1312 किलोमीटर है, मतलब 1312 किलोमीटर बहती हैं। ग्रंथों में उनकी उत्पत्ति, उनकी महत्ता का बहुत सारा वर्णन मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि नर्मदा के दर्शन मात्र से आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। गंगा में तो नहाने से पुण्य मिलता है, लेकिन नर्मदा के सिर्फ दर्शन से पुण्य मिल जाता है। और शायद नर्मदा एकमात्र इकलौती नदी है, इकलौती नदी कही जाती है, जिनकी परिक्रमा की जाती है। प्राणों में भी यही मिलता है कि गंगा स्नान से जो फल नहीं मिलता, या जो फल गंगा स्नान से मिलता है और हम लोग गंगा स्नान करने जाते हैं, वो फल सिर्फ नर्मदा के दर्शन से ही प्राप्त हो जाता है। ऐसा भी कहते हैं कि माँ नर्मदा ने कई हजार साल तक तपस्या की और फिर भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और दर्शन देते हैं, और उसके बाद माँ नर्मदा ने उनसे कई वरदान प्राप्त किए थे, कई चीज़ें हासिल की थी। और इनमें सबसे प्रमुख था कि मैं प्रलय में भी अविनाशी रहूँ, जब सब कुछ नष्ट हो जाए तब भी मैं रहूँ, मेरा नाश ना हो। विश्व में मैं एकमात्र पाप नाशिनी के रूप में जानी जाऊँ, और नर्मदा में पाए जाने वाला हर पत्थर, हर पाषाण शिवलिंग हो, शिव ने तथास्तु कहा। और यही वजह है कि नर्मदा में जो पत्थर होते हैं वो पत्थर नहीं होते हैं, नर्मदेश्वर कहा जाता है, और उन शिवलिंगों को बिना प्रतिष्ठा के ही पूजा जाता है। ये है माँ नर्मदा का महत्व।
और कुछ बताऊं तो उसके नर्मदा ने अपने तट पर भोले पार्वती के साथ ही सभी देवताओं को वास करने का भी वरदान शिव से हासिल किया। शिव ने तास्तु कहा, नर्मदा के तट पर सभी देवी देवताओं का वास होता है। ये भी महत्व है और ये भी कहा जाता है, गंगा दशहरा तिथि आती है मई जून में, और इसमें कहा जाता है कि खुद गंगा जी माँ नर्मदा स्नान करने आती है। बस यही थी आज हमारे माँ नर्मदा जी। दोस्तों, भारत की नदियाँ अप्रतिम है। यूरोपीय यात्री जब हमारे यहाँ आए तो उन्होंने यूरोप की नदियों को नाले कहा, क्योंकि नदियाँ भारत में ही होती हैं। नदियाँ मतलब एक छोर से दूसरा छोर अथाह जलराशि को समेटे हुए, गंगा हो, सिंधु हो, झेलम, चनाब, रावी, व्यास, सतलज, ब्रह्मपुत्र या फिर दक्षिण की कृष्णा, तुंगभद्रा, सभी पूजनीय हैं, सभी जीवनदायिनी हैं, सभ्यताओं को पोसने वाली हैं, हमें आशीर्वाद देने वाली हैं। हम ईश्वर की खोज में क्या क्या नहीं करते, कहाँ कहाँ नहीं जाते, क्या कुछ नहीं कर डालते, लेकिन ईश्वर ने खुद को प्रतीकों में, प्रकृति में बसा दिया है। ईश्वर खुद को प्रकट नहीं करता, लेकिन बस प्रकृति में खुद को प्रकट करता है। नदियां इन्हीं में से एक है। ईश्वर को समझने के लिए आपको कहीं नहीं जाना होता कि मानिए, बस अपने आसपास देखना है, समझना है, महसूस करना है। वो आपको कई रूपों में आशीर्वाद देते हुए दिख जाएंगे। माँ नर्मदा को जानने वाले, मानने वाले, गुनने वाले कहीं से भी माई की जय बोल दिया करते हैं। जय हो माई की। ज्यादा निहनवाणी हो गई हो तो क्षमा चाहता हूँ। अगले शनिवार शाम 6 बजे फिर एक नई कहानी लेकर आऊंगा। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपनों के साथ रहिए और सुनते रहिए मुझे यानी अतुल को। हमारी कहानी अच्छी लगती हो तो हमारा YouTube चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनों से भी करवाइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। Oh, oh, oh.